अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज की हमारी ये खबर है कोविड को लेकर। कल की रिपोर्ट है नाज़रीन, कल हमारे तेलंगाना स्टेट में 1198 पॉजिटिव कोरोना के केस पाए गए। वहीं पर नाज़रीन से अदबन गुजारिश है, धीरे धीरे ये वबा ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है हमारे तेलंगाना में। शायद हो सकता है आने वाले चंद दिनों में हमारे देश से ये वबा ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल बाहर नहीं है मार्केट में, बिल्कुल पब्लिक नहीं है, कारोबारी परेशान है, वहीं पर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी परेशान हैं। हो सकता है कि ऐसा ज़िंदगी अपनी पटरी पर आ जाएगी, फिर उसके बाद हर किसी के कारोबार चलने लगेंगे। खैर, वबा ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। वहीं पर हमारे AIMIM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जो हैदराबाद के MP है, उन्होंने चारमीनार निज़ामिया टिब्बी हॉस्पिटल में जाकर हमारे कुरैशी बिरादरी के लोगों का टेस्ट करवाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईद उल अज़हा आने वाली है, इस मौके पर हमारे कुरैशी बिरादर तंदुरुस्त रहना है, सेहतमंद रहना है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम रहता है ये ईद के मौके पर। वहीं पर उसकी दूसरी जाने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सरोजनी आई हॉस्पिटल का भी जायजा लिया, क्योंकि वहाँ पर भी कोविड के टेस्ट करवा रहे हैं लोग। तो आइए आपको खसूसी खबर हम दिखाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की। करीब 50 जो हमारे फॉरेस्ट बिरादरी के तालुक रखने वाले साहब हैं, जिनकी गोश्त की दुकानें हैं, उनको आज हम चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल लाकर यहां पर इनका कोविड का RT-PCR टेस्ट कराएं। और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन के साबिका रुकने बल्दिया जनाब इब्राहिम कुरैशी साहब का, कि उन्होंने इसमें बड़ी पेशरफ की। और जब हम इससे बात किए तो बोले कि फौरन ये जरूरी है, क्योंकि बकरीद भी आने वाली है, और बकरीद के सिलसिले में आप जानते हैं कि मुसलमान हजरात कुर्बानी देते हैं जानवर की, और उसमें हमको इन तमाम लोगों की जरूरत पड़ती है, हमारे कुरैश बिरादरी के साथ जिम्मेदार है। तो इसलिए मजलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इनका RT-PCR का टेस्ट करवाया जाए, ताकि हम उनकी जान को बचा सकें, और साथ ही साथ जब वो अपनी दुकान पर कारोबार करेंगे तो जो लोग आते हैं इनके पास गोश्त खरीदने के लिए, उनकी भी जान का तहफ्फुज़ हो सके। मैं आप तमाम से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी आपकी दुकान है गोश्त की, आप बराए मेहरबानी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर, जो फ्री में टेस्टिंग हो रही है, मुफ्त में टेस्टिंग हो रही है, अपना टेस्ट करवाएं, अपना तहफ्फुज़ करें और अपने घर वालों का तहफ्फुज़ करें, उनकी जान को बचाएं, ये कोशिश की जा रही है। और आज करीब 50 के करीब हैदराबाद पार्लिमानी हलके के मुख्तलिफ मकामात के, खास तौर से याकूतपुरा और चार मीनार एक से आवाम यहाँ पर आए हैं हमारे कुरैश बिरादरी के साथ, चंद्रायन गुट्टे के भी यहाँ पे इनका टेस्ट करवाया जा रहा है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपना टेस्ट करवाइए, और साथ ही साथ रुकने बल्दिया पत्थरगट्टी महमूद खादरी से भी, और हमारे कॉरपोरेटर मुजफ्फर ने से भी मैंने कहा हूँ कि पत्थरगट्टी और चार मीनार दोनों जानिब जो हमारे ठेला मंडी के कारोबार करने वाले स्ट्रीट हॉकर्स बैठते हैं, करीब 400 के करीब उनकी लिस्ट है, इनका भी हम इंशाल्लाह ताला इन तमाम स्ट्रीट हॉकर्स का, ठेला मंडी कारोबार करने वालों का, इनका भी टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि ये भी फुटपाथ पर बैठकर अपना कारोबार करते हैं, तो इनकी भी जान का तहफ्फुज़ करना, इनके अपराध खानदान का भी तहफ्फुज़ करना ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तमाम गरीबों की नौकरियां जा चुकी हैं,
आमदनी में कमी हुई है, मगर साथ ही साथ हमको उनकी जान को भी बचाना है। और तीसरा यह है कि मैं आप तमाम से अपील भी करूंगा कि जो मुख्तलिफ टिफिन सेंटर्स हैं वहां पर जो सुबह के औकात में दोपहर के वक्त में जो लोग जाकर खाना खरीदते हैं, मेरी उन तमाम टिफिन सेंटर्स के जिम्मेदारों से भी अपील है कि वो भी आकर इन गवर्नमेंट के टेस्टिंग सेंटर्स पर अपना टेस्ट करवाएं। हमारे जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी के ड्राइवर्स हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि आप भी आकर अपना टेस्ट करवाएं। यहां पर टेस्ट है, आपका टेस्ट करवाने से आप अपनी जान की हिफाजत करेंगे, अपने अफराद खानदान को इस वायरस से बचाएंगे। ये बहुत जरूरी है, मैं फिर से आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करिए। बाहर निकलेंगे तो अपने चेहरे पर मास्क लगाइए, और घर में या कहीं बाहर रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, अपने हाथ धोते रहिए और टेस्ट करवाइए। और अगर टेस्ट में आपका खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आता है तो फौरन अस्पताल से डॉक्टर से रुजू होकर दवाइयों का इस्तेमाल करिए। अपने आप को डॉक्टर मत समझिए और ये मत समझिए कि मैं एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाने से तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसे कई लोगों की जान जा चुकी है जो अपने आप को डॉक्टर समझकर अपना इलाज किए थे। मेरे पास ऐसे कई मिसालें मैं दे सकता हूं, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हरगिज अपने आप को डॉक्टर मत समझिए। ये वायरस बहुत खतरनाक है, 400 के करीब आवाम की जाने जा चुकी हैं तेलंगाना में सिर्फ, और पूरे मुल्क में 25,000 से ज्यादा लोगों की जाने जा चुकी हैं, कई लोग अस्पताल में जेर इलाज हैं। इसलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि टेस्ट करवाइए, इसमें कोई मायूब बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी होने वाली नहीं है। ये बीमारी से नफरत करना है, बीमार से नहीं करना है। शुक्रिया। हेलो मैडम, और कितने हैं? चार बाकी होते हैं, चार बाकी होते हैं, पूरे नेगेटिव है। हाँ, एंटीजन है, एंटीजन आर्टिफिशियल जो है ना मैडम, जो एक्सपोज करेगी पब्लिक बताना जरूरी है। What my intention was that my intention was that if we can do RT-PCR now and it comes negative, then you have window of at least 10 to 12 days. No sir, I just thinking today idea of making now. 2 days before the quiz we if we do, just 1 day before the quiz we get all the results. So that will be a fresh result. But my what to get them here again would be a difficult task. That is why I was. This one no, so I have to. Answer. Whatever, कितने लोग अभी हैं यहाँ पे? कितने अभी यहाँ पे? अभी है। आर्टिफिशियल करा दीजिए मतलब, मेरी बात सुनिए। आर्टिफिशियल करा दो, और ये नहीं चल रहा है मास्क। गवर्नमेंट बोल दिया नोजल का, इससे और फैल रहा बोल दिया। ऐसा रहे ना? ये मैडम पूछो, नोजल से और फैल रहा हो? सब ये सब कवर्ड से पूरा सही हो। ओके मैडम, थैंक यू। पुलिस वाले ये छोटा है, ये सिटी में बहुत तंग कर रहे हैं सब। कहाँ पे ये एलबी नगर पे होगा? हाँ, एलबी नगर ये हाईवे सर। कुछ दूर हम वही बोल देते हैं, अलार्म करा लिया था बस नेगेटिव। साधक नहीं करा सर, मैडम आप मैडम आज सरस्वती देवी आई हॉस्पिटल में जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड का टेस्टिंग सेंटर यहाँ पर करीब
एक डेढ़ महीने चल रहा है। यहाँ पर आज हल्के असम्बली नामपल्ली के तमाम गोश्त का कारोबार करने वाले और ख़ास तौर से हमारे कुरैश बरदरी के जो हजरात हैं जिनकी दुकानें हैं उनको यहाँ पर करीब 45 लोगों को लाकर यहाँ पर इनका टेस्ट करवाया गया। और मकसद एक ही है, क्योंकि ये लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठकर अपनी दुकान पर गोश्त को फरोख करते हैं और बकरीद भी आने वाली है और कई ऐसे लोग इन जाकर जो लोग मुसलमान हजरात कुर्बानी देते हैं तो वहाँ पर जाकर ये जानवर की कुर्बानी के बाद उसको साफ़ सफाई करते हैं। तो हमारा मकसद एक ही है बहसीत एक सियासी जमात के कि आवाम का तहफ़ हो, ये वायरस को रोका जाए और ख़ास तौर से जो लोग गोश्त का कारोबार करते हैं बकरीद में जाकर कुर्बानी के बाद जानवर को साफ़ सफाई करना उसको काटते हैं तो उनकी भी जान का तहफ़ हो। तो इसलिए मैं आप तमाम से ये अपील कर रहा हूँ कि जो हजरात की गोश्त का कारोबार करते हैं उनकी दुकानें हैं वो बराए मेहरबानी आकर जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पर अपना टेस्ट करवाएं ताकि आपकी जान का तहफ़ हो सके, आपके घर वालों का तहफ़ हो सके, आपके कारोबार में और इजाफा होगा जब लोग को मालूम हो जाएगा कि आप कोविड फ्री हैं, आपको नेगेटिव आया है। और जितने यहाँ टेस्ट हो रहे हैं उसके बाद हम लोग ख़ुद हमारी पार्टी के ज़िम्मेदार उस दुकान पर जाकर ये बताएँगे कि भाई ये इनको नेगेटिव आया है और इससे आपके कारोबार में इजाफा होगा। और साथ ही साथ मैं आपसे उन लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग ठेला बंडी का हॉकर्स हैं जो रोड पर कारोबार करते हैं, ठेला बंडी पर तरकारी मेवा रखकर भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप अपना टेस्ट करवाइए। ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं और जो लोग बैठ कर फ्रूट्स को बेचते हैं और जो टिफ़िन सेंटर्स हैं, इन तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप अपने टेस्ट करवाइए ताकि आप और हम मिलकर इस वायरस को रोक सके, अपनी जान का हिफाजत कर सके। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने खब से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436, 9063383760।